कह रहे नाम आपके वाले हैं, काम वेजिटेरियन वाला है। मैं कहा मतलब? कह रहे आपने हमारे यहाँ खाना है वेज अंडा भुर्जी। वेज अंडा भुर्जी? मेरे फादर बोलते थे पैसा कमाने के लिए दुनिया पड़ी है, तो हम लोग तो दिल जीतने के लिए आए हैं और हम लोग इस खाने से ही दिल जीतेंगे। ये पहली चीज ऐसी है जिसको खाने के बाद ये बोलोगे ये एक्चुअली मंडा। हाँ मैं आज भी नॉन वेज रहा हूँ, वेज वाला। 3, 2, 1। Yo, what's up people? I hope everyone's doing great. My name is Shauro and स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बारी। हाँ जी, फाइनली बैक टू दिल्ली। दिल्ली कहाँ पे? साउथ दिल्ली में अमर कॉलोनी में, बहुत मशहूर जगह है, प्रॉपर मार्केट जहाँ पे खाने के ऑप्शन है अमेजिंग तरीके से भरे पड़े हैं। जिस जगह पे मैं उस जगह का नाम है जट साहब चाप वाले। हाँ जी, वेजिटेरियन ब्लॉग है। Okay, the owner from this place happened to call me and told me, Shoaib, our food is fantabulous. You have to come and try our food. मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा specialties बताओ। कह रहे नाम आपके वाले हैं, काम vegetarian वाला है। मैं कहा मतलब? कह रहे आपने हमारे यहाँ खाना है veg अंडा भुर्जी। Veg अंडा भुर्जी मतलब समझ नहीं आया, अंडा भुर्जी veg। कह रहे हमारा तरीका, लोग बड़े शौक से खाते हैं। इसके साथ साथ कह रहे आपको खिलाना है हमने हमारे यहाँ का veg meat टिक्का। अभी जो meat word है ना, ये मेरे बहुत बड़ी स्माइल ले आता है। कह रहे होगा वेजिटेरियन। चलो ठीक है, और साथ में खिलाना है आपको वेज चिली चिकन। कॉन्सेप्ट नए नए भैया, क्या कर सकते हैं, बट दे वेरी कॉन्फिडेंट, आई वुड जस्ट फॉल इन लव। लगा चलो ठीक है जी। अच्छा ये तो होगी स्टार्टर्स की बात, मेन कोर्स में खिलाना है आपको वेज बटर चिकन, वेजिटेरियन बटर चिकन, वही शाही पनीर वाली ग्रेवी होगी, ग्रेवी बाकी काम चिकन वाला है वेजिटेरियन। उसके साथ साथ कह रहे आपको खिलाना है हमने हमारे यहाँ का वेज भेजा फ्राई, वेज भेजा फ्राई, वाह। और कह रहे हैं साथ में आपको खिलाना है वेज तवा लेग। अभी तवा वाला थोड़ा चटपटा काम लग रहा है, जैसे हम श्योर चाप का पीस होगा, थोड़ा सुन के तो हम भी इमेजिन करते हैं ना। एनीवे करना क्या, ओनर साहब से मिलना है, यही सब चीज़ें ऑर्डर करनी है, हल्का सा ग्लिम्स लेना है किचन में किस तरह से प्रिपेयर हो रहा है, उसके बाद कैसे स्प्रेड लगा रहे हैं, फाइनली वेजिटेरियन खाना है, सच्चा रिव्यू देना है। वीडियो के अंत तक बन रहे ना, पानी आएगा। कहीं जट साहब चाप वाले जगह की लुक एंड फील, ओनर साहब सामने मिलते हैं। हाउ यू सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, सब ठीक ठाक। बहुत बढ़िया सर, सर आप ठीक हैं? ऑल वेल सर, ऑल वेल। अच्छा बात हुई थी आपसे? बिल्कुल सर। जो आइटम मैंने इंट्रो बताई वही सब करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये वेज नॉन वेज वाला सीन समझ नहीं आ रहा मेरे। अब आप ये खाएंगे तो पता चल पाएगा आपको क्या सीन है, क्या मैजिक है। लोग इंजॉय करते हैं ऐसे डिशेज को? बहुत इंजॉय करते हैं सर। लोग, कई लोग तो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते कि ये एक्चुअली में वेज ही है या नॉन वेज इसमें मिला हुआ है। अच्छा अब ये तो आप देखेंगे और जनता को दिखाएंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। चलो चले किचन में जी, एंटर करें। बिल्कुल सर, आइए। ऑल राइट सर। ये हमारी छोटी सी किचन है, अरे नहीं, जहाँ पे हम सारा मैजिक कर रहे हैं। अरे वाह, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स सजा रखे हैं? सारे इंग्रेडिएंट्स सजा रखे हैं। वेरी गुड। कैसे शेफ साहब? मस्त, एकदम मस्त है। अरे वाह, हाउ स्वीट। अच्छा शेफ साहब किससे चालू, आपको ऑर्डर पता है सारा जी, तो किससे चालू करना पहले जी? हम करेंगे तवा लेग पीस सर। तवा लेग पीस है, बिल्कुल करते हैं। और ना अच्छा, मेन कोर्स पहले लगा रहे हो जी? कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टर्स हमने लगा रहे, तंदूर में लगा सकते हो साथ साथ, ठीक है? तो गाइस, व्हाट आई लाइक इज क्लीन किचन यार, इट्स वेरी गुड यार। ग्रेवी कितने पीस आते हैं एक प्लेट में? आते हैं चार, फुल में चार आते हैं। आप चार पीस आते हैं जी? वेरी गुड। आज गाइस फॉर अ चेंज वेजिटेरियन काम होगा है, हम एक्साइटेड यार, मतलब नॉनवेज तो काफ़ी कर लिया था, अब ये वीडियो स्पेशली फॉर वेजिटेरियन से यार। सो गाइस बाकी देखते हैं। ये क्या है जी? मीट टिक्का है। इसके कितने पीस आते हैं? फुल में 10 पीस, हाफ है 5 पीस। अरे वाह, चलो जी। कैसा क्या बन रहा है? वेज चिली चिकन। चिली चिकन जी, अरे वाह। सो इसमें वो सोया चाप को आप जी जी सोया चाप टॉस करोगे जी, और फ्लेवर आएगा चिकन के साथ। अच्छा
आई लाइक इज सिंपलिसिटी यार. वेस्टर्न खाना है, नॉनवेज के नाम है, सो दे ट्राई टू केटर टू ऑल नॉनवेज एंड वेज ऑडियंस ताकि सब वो मज़ा ले सके. हालांकि मैं वेज कम खाता हूँ बट देखते कैसा है यार. हो गया जी वैसे? हो गया जी. जब आप इसे खाओगे भी तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही जैसे मीट मैं तोड़ के खा रहा हूँ, जैसे मीट मटन टिक्का हम लोग खाते हैं नॉनवेज में, वैसे ही आपको फील भी पूरी वही आएगी और टेस्ट भी पूरा वही आएगा. अच्छा, आपका सीरा जल्दी जल्दी करते हैं काम खत्म, भूख लग रही है. अब क्या बनना है? वेज भेजा फ्राई. भेजा फ्राई. अच्छा, इसके लिए बड़ा इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज कैसे बनेगा. वैसे गैस मारूँ, ये है क्या वेज भेजा फ्राई का काम? जी है. ये हो गए चाप. ये तो भेजा फ्राई का मतलब चाप हो गया. चाप हो गया. अच्छा, और ये हो गया पनीर. पनीर. अच्छा, जब आप ये खाओगे तो आपको एग्जैक्टली वही टेक्सचर लगेगा, वही ग्रेन लगेगा. जब आप बाइट लोगे तो वैसे ही पूरा फील आएगा कि नॉनवेज वाला भेजा फ्राई खा रहे हैं. अच्छा जी, सो एक तरह से ये चला गया कीमा. और अब क्या भेजा? अब क्या है पनीर. वेज. अच्छा, अब रोटी वगैरह क्या लगवाना? इसके साथ अब आपको हम खिलाएंगे लच्छा पराठा और तंदूरी रोटी. लच्छा और तंदूरी. हाँ जी, वेरी गुड. अफोर्डेबल प्राइसेस में हम लोग गुड क्वालिटी करते हैं कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी दे. हम लोग यहाँ पे कमाने नहीं आए. मेरे फादर बोलते थे कि दिल जीतने के लिए और पैसा कमाने के लिए दुनिया पड़ी है. तो या तो तुम दिल जीत लो तो तुमने सब कमा लिया, या पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहो और सारी ज़िंदगी भागते रहो उसके पीछे. तो हम लोग तो दिल जीतने के लिए आए हैं और हम लोग इस खाने से ही दिल जीतेंगे लोगों का. शेफ साहब अपना जल्दी जल्दी से देते हैं, अगले 30 सेकंड के अंदर दोनों बनाने हैं. टमाटर वाली ग्रेवी. अंडा भुर्जी. गाइस बाहर आया था, मीट वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड नाउ माय फ्रेंड. कैसे हो ब्रदर? हे गो, ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अरे नहीं, नॉट एट ऑल. सो ही रेकमेंडेड द ओनर एंड द ओनर कॉल्ड अप, ऐसे कुछ हुआ था? यस यस यस. हाउ स्वीट है. कैसे आप? बस गुड, आप बताओ. आते रहते हो यहां से? हाँ बस, मैं तो घर ही पास में ही है. सो जेन्युइनली बताना कैसा है? आई नो आपके जानकार है बट फिर भी कैसा खाना है जेन्युइनली? इसकी जो बटर चिकन की जो है, जो वेज बटर चिकन है, दैट इज अनबीटेबल. जो पंडारा रोड पे जो है ना अपने जो गुलाटीज एंड हैवमोर्स, इट इज यू नो कंपेयरिंग टू दोस. और हम लोग तो यार उसके फैन हैं. एग्जैक्टली. एंड देन इनकी जो डिशेज हैं, जो वेज अपना चिली चिकन है, सो दैट इज आल्सो आई टेक योर वेरी गुड. मैं ट्राई करूंगा. यू शुड एब्सोल्युटली. आप आसपास ही रहते रहे? हाँ हाँ बिल्कुल. चलो वेरी गुड, थैंक्स सर. थैंक यू. Alright guys, the food's here and it's looking nice. I'm sorry there might be a bit of flies. I'm an outdoor, but doesn't take the fact. खाना लग रहा है बहुत अच्छा. Try किससे कर रहे हैं? मीट टिक्का से करते हैं. स्टार्टर्स है भैया. और मीट सुन के ना आपको पता है मेरा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है. ओके, ऐसा कुछ मीट टिक्का है, साथ में अच्छी बात है वेजीज है. एक पीस टाइम. अच्छा एक चीज़, ये मुझे करारापन बड़ा पसंद है. चाप को ना पकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत रबरी रहती है. है कि नहीं है? Alright, 3, 2, 1. Subscribe. Let's go in. Chatpata, masaledar kaam. Ah ha ha. इसको खाने का मतलब है पूरे तरीके से चटोरी हो जाना, मतलब मजा आ जाएगा. वाह. So, you know, I still kind of think कितनी वैरायटियां निकाल देते हैं. कितना स्वाद के साथ खेलते हैं. दिल्ली की जो कलिनरी है ना वो नेक्स्ट लेवल जा रही है. आई एम वेरी हैप्पी, मज़ा आ गया. एंड व्हाट आई लाइक इज दैट दीज आर वेरी थिन पीसेस. थिन मतलब अच्छे से पका हुआ है. जब बहुत मोटा होता है अंदर से रबरी रह जाता है. या कि नहीं है? आ जाओ जी, आ जाओ. आई एम सॉरी, एम यूजिंग माई हैंड्स यार. एक बढ़िया सा पीस आते हैं ये. हाँ हाँ हाँ, देख रहे जी. ओके, प्रॉपर तरीके से
चिली चिकन जो खाए ना ये कुछ वैसे ही है. इट्स टॉस्ड इन अ प्रॉपर ग्रेवी एंड व्हेन इट्स राइटली टॉस्ड द फ्लेवर हैज टू कम आउट. अच्छी बात क्या है, पूरा पूरा फील आ रहा है. आई लाइक द वेजीज गोइंग अलॉन्ग विद इट. अ लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस, अ लिटिल बिट ऑफ सैडनेस एंड अमेजिंग. और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ लवर, मुझे पसंद आ रहा है. सो आई इमेजिन जो वेजिटेरियन आते हैं उनका क्या होता होगा. गुड स्टफ, अच्छा खा रहा है. वेराइटी ऑफ कलर्स है कि नहीं है. अंडा भुर्जी ना, इसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ. पता नहीं क्या स्वाद होगा. दिस नॉट अंडा बाय द वे, बाय पूरा वेजिटेरियन जगह ही है, सिर्फ बता रहा हूँ. ये धनिया वगैरह डाल के हैं. ये पहली चीज़ ऐसी है जिसको खाने के तब ये बोलोगे ये एक्चुअली मंडा. मुझे नहीं पता है कैसे बना है. ये प्रॉपर तरीके से अंडे का फील है. रिव्यू पे भरोसा है ना, इसको आगे ऑर्डर करना. नॉट दैट माइंड बॉगलिंग टेस्ट है, टेस्ट इज वेरी गुड, बट द फैक्ट कि पूरा पूरा ना अंडे का टेक्सचर, अंडे का फील, अंडे का टेस्ट गुड. हाँ जी, मेन कोर्स की बारी है. अरे अच्छा, लच्छे के साथ आ जाओ जी, आ जाओ. भेजा फ्राई से चालू करते हैं. ये है जी भेजा फ्राई इनका. आई होप ये ट्रीटमेंट सबको मिले जो मेरे को मिल रहा है, बिकॉज मेरे को उन्होंने बड़े रिच तरीके से, बड़े प्रॉपर तरीके से सर्व किया. पूरी डेक्ड अप प्लेट्स हैं, स्वाद लग रहा है. ओह हाँ, मज़ा आ गया. पता है कैसा है ये, जैसे एक्चुअल में नहीं बनता तब आप मगज अच्छे से पका हुआ स्मोकी फील और साथ में वो नरमाहट. भेजा ना नॉर्मली क्या होता है, घुल जाता है, वो काम हो रहा है यहाँ पे. मज़ा आ गया. फॉर द प्राइस दैट दे सेलिंग एंड द क्वालिटी, मेरी उम्मीद से ऊपर. जब मैं आया था ना लुकिंग एट द शॉप आई थॉट नॉर्मल होगा, बट ना काम अच्छा कर रहे हैं. आ जाओ जी, ये है जी तवा लेग. अरे अच्छा ही, बताओ यार. हाँ मैं आज भी नॉन वेज रहा हूँ, वेज वाला समझ रहे हो. यू नो व्हाट्स द टेक अवे, यहाँ से हर चीज़ ना दूसरी चीज़ से अलग है. द टेस्ट इज नॉट सिमिलर. हर डिश की अपनी पहचान है एंड आई एम लविंग इट. गुड थिंग इट्स नॉट वेरी स्पाइसी, कोई भी खा सकता है एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस यार. क्योंकि ऐसे वेस्टर्न जॉइंट्स में ना फैमिलीज आती हैं यार एंड दे वॉन्ट टू हैव फूड विच इज़ नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी अमाउंट में स्पाइसी. ऐसा कुछ है मुझसे पूछोगे इन दोनों में से. आई थिंक आई लव बोथ ऑफ देम. ग्रेवी बिल्कुल अलग है, स्वाद बिल्कुल अलग है. फाइनली इसको हम शो स्टॉपर बनाए थे इज ओनली बिकॉज बटर चिकन, शाही पनीर, बटर पनीर मसाला, पीपल लव इट यार. हैं यहाँ पे बना बटर चिकन वेजिटेरियन. आयो ये थोड़ा जी पीस और ये जी ग्रेवी. मुझे वीडियो में देखा था ऐसा कहा गया था कि हम बीट नहीं कर सकते इसको, कैसा स्वाद है. Honestly, amongst everything that I've had, this is the best. इस शो पर कुछ भी नहीं है, फिर से रिव्यू पे भरोसा है. ये आके ट्राई करना आपने पहली चीज. और देखो मैं ये नहीं कह रहा आके सब कुछ ऑर्डर कर लो, पहले आके सैम्पलिंग करो, कोई एक चीज़ ऑर्डर करो. मेरे नाम पे पहले ऑर्डर करना कड़क रोटी या लच्छे के साथ या नान के, जैसे आपको पसंद है. उसके बाद आपको जगह लेजिटिमेट लगेगी मेरे हिसाब से. मुझसे पूछोगे तो पूरे लॉट पे सबसे बढ़िया मुझे ये लगा इनका वेज बीसी, कमाल कर दिया. एंड ही वॉज राइट, इसका स्वाद ना किसे कम नहीं है. गाइस जितना खाता खाता हूँ, बाकी पैक कराता हूँ फिर आपसे. ऑलराइट गाइस, जस्ट हैड माय मील एंड मज़ा आया यार. आई ऑनेस्टली व्हेन आई लुक्ड एट द प्लेस आई थॉट ओके ओके होगा, बट ना द फूड वॉज नाइस. अच्छी बात ये थी हर डिश का स्वाद अलग था, कोई सिमिलैरिटी नहीं थी. कई जगह सिर्फ दो ही मैरिनेशन मिलती है, एक टिक्का और अफगानी की, और उसी में घुमाते रहते हैं. बट ना यहाँ पे ना देर आर वेराइटीज, देर आर फ्लेवर्स एंड दे ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट सेंसिबली, विच मेक्स सेंस इन अ वे दैट यार सबको कैटर कर लिया ना, नॉन वेज वाला भी आ सकता है. सो गुड स्टफ है कि नहीं है. जट साहब चाप वाले अमर कॉलोनी
में बना हुआ है साउथ दिल्ली में। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन, एड्रेस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स डाल दूंगा। ना मिले फ़ोन करके परेशान करो, पहुंचो, ट्राई द फूड एंड लीव अ कमेंट। वेजिटेरियन खाना हो तो ऐसा हो जो नॉनवेज वालों को भी खुश रखे, और वेजिटेरियन तो खुश जाएंगे ही, क्यों, खाना क्वालिटी का है कि नहीं है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब द चैनल विल ग्रो। इंस्टाग्राम पे अरोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब अरोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा। अंटिल देन टेक केयर, हैव फन।